हेलो दोस्तों, आज बनाते हैं एक नई रेसिपी जिसका नाम है बेसन और मटर की सब्ज़ी। लेते हैं मटर, मटर को पीस लेते हैं मिक्सर जार में। उसके बाद इसमें डालते हैं 4-5 कली लहसुन, थोड़ा सा जीरा। जीरा डालने के बाद इसको पीस लेते हैं अच्छी तरह से। उसके बाद इसको बाहर निकाल के रख लेते हैं पेस्ट को। उसके बाद में इसमें ऐड करते हैं 2 टेबल स्पून बेसन। बेसन ऐड करने के बाद इसमें मिलाते हैं थोड़ा सा नमक। उसके बाद मिलाते हैं इसमें थोड़ी सी हल्दी। उसके बाद मिलाते हैं थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर मिलाने के बाद इसमें मिलाते हैं थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला। सब्ज़ी मसाला मिलाने के बाद इसको पानी डाल के अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा मटर और बेसन और मसाले। उसके बाद इसको रख देंगे अलग। रखने के बाद में इसमें मिलाते हैं सोडा। सोडा मिलाने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक लेते हैं बाउल, बाउल में लगाते हैं थोड़ा सा ऑयल। ऑयल पूरी तरह से फैला देंगे। उसके बाद में जो मैंने पेस्ट बनाया था इसी में डाल देंगे। डालने के बाद में चढ़ाते हैं कढ़ाई। कढ़ाई में डालते हैं थोड़ा सा पानी। ऊपर से रखते हैं जाली वाली छन्नी। छन्नी रखने के बाद बाउल को इसी में रख देंगे। 5 मिनट के लिए ढक के रख के पकाएंगे इसे। उसके बाद लेते हैं मिक्सर जार, इसमें डालते हैं 2 आलू कटे हुए। उसके बाद में इसमें ऐड करते हैं थोड़ी सी मटर। मटर ऐड करने के बाद में इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। पानी मिलाने के बाद मिक्सर जार बंद करके इसे पीस लेंगे। उसके बाद देख सकते हैं मेरा बैटर पूरी तरह से पक चुका है बेसन का। उसके बाद में इसको अलग रख लेते हैं। चढ़ाते हैं कढ़ाई। कढ़ाई में डालते हैं थोड़ा सा ऑयल। इसमें डालते हैं थोड़ा सा जीरा। जीरा डालने के बाद लहसुन डालते हैं। उसके बाद प्याज डालते हैं। उसके बाद में मिर्च डालते हैं खड़ी। खड़ी मिर्च डालने के बाद जो मैंने पेस्ट बनाया था इसे इसी में सर्व कर देंगे। उसके बाद इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। उसके बाद इसमें डालते हैं 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून मसाला डालते हैं। उसके बाद थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालते हैं। सारे मसाला ऐड करने के बाद में इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। चलाने के बाद में थोड़ा सा पकाएंगे इसे। पूरी तरह से पक जाएगा तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद में इसमें 1 टेबल स्पून डालते हैं नमक। नमक ऐड करने के बाद इसको ढक के पकाएंगे। तब तक इधर छोटी छोटी पीस में इसे काट लेंगे मटर और बेसन का पेस्ट। आराम से काटेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। ज़्यादा बड़ी पीस नहीं काटेंगे, छोटी पीस काटेंगे। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करना बनाने के लिए। एक पीस उठा के आपको दिखाते हैं। एकदम बढ़िया सा स्पॉन्जी बन के तैयार हुआ है। सारे पीस निकाल लेंगे। चाकू की सहायता से उसके बाद में कढ़ाई का ढक्कन प्लेट हटाते हैं। इसी में एक एक करके सर्व कर देंगे। पहले इसे चलाएंगे, उसके बाद एक एक करके इसमें सर्व कर देंगे आराम से। सर्व करने के बाद में इसको चलाएंगे, थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। देख सकते हैं मेरी रेसिपी बनके
पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। आप इसे बना सकते हैं, वीडियो वॉच करके बनाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना। फिर मिलते हैं नई रेसिपी में। जय हिंद, जय भारत।